नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है, मैं आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको रिव्यू करने वाले हैं न्यू लॉन्चिंग जियोनी F103 प्रो, जो कि 12,000 के प्राइस में जियोनी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा। जियोनी F103 प्रो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। जियोनी F103 प्रो जो कि लॉन्च हुआ है, जिसका स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हो, इसमें 5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, IPS स्क्रीन है, 2.5D कर्व एज स्क्रीन डिस्प्ले है, 2400 mAh की बैटरी है, 3GB रैम है, इसमें अमीगो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा, ड्यूल सिम है, 4G वॉल्टी, और इसमें क्वाड कोर 1.3 GHz का प्रोसेसर है, और ये ब्लूटूथ 4 वर्जन पे काम करता है, और इसका स्क्रीन 5 इंच का IPS फुल HD स्क्रीन है, जो कि इस पे MRP है 13,199, 12,000 रुपये में ये लॉन्च हुआ है। तो हम आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसे कि फ़ोन के साथ आता है, ये है फ़ोन, लुक में काफ़ी प्रीमियम है फ़ोन। हालांकि इसमें टच फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हो F103 प्रो 5 इंच की IPS फुल HD स्क्रीन है, 2.5 कर्व्ड एज है, इसमें 16 GB इसके इंटरनल स्पेस है, 3 GB रैम है, 4G वॉल्टी पे सपोर्ट करता है, और ये 13 MP बैक और 5 MP फ्रंट है, जिसमें ओमेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगी, 64 बिट क्वाड कोर है, एंड्रॉयड मार्शमैलो के साथ आएगा। बॉक्स में अदर कंटेंट आपको मिल जाता है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये आएगा आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, हालांकि ये USB-C पोर्ट सपोर्ट नहीं करता है, इसमें माइक्रो USB है। जियोनी का ये है चार्जर, जो कि फास्ट चार्जर को नहीं सपोर्ट करता, 1000 mAh तक उसका पावर है, 5 वोल्ट का है, इसमें बैटरी है 2400 mAh की आती है, हैंड फ्री जो है वो थोड़ी बेसिक ही दी गई है, हैंड फ्री में इस तरह का कुछ आता है। और जैसे कि बैटरी जियोनी की 2400 mAh की बैटरी है, इसके साथ आपको एक केस कवर भी फ्री में मिलता है एक, जो कि अच्छा है। और यूज़र मैनुअल में आपको इंग्लिश में यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जियोनी का वारंटी कार्ड आ जाता है। तो ये जो है फोन लुक में काफ़ी प्रीमियम है, इसके राइट साइड पे आपको वॉल्यूम लॉकर है और लॉक ऑन ऑफ पावर बटन है, बैक नीचे उसको USB माइक्रो USB पोर्ट है, और फोन माइक्रोफोन है, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, टॉप पे उस पर आपको मिलता है एक 3.5 mm का जैक आता है, और बैक साइड पे आपको जियोनी की ब्रांडिंग के साथ ये एक स्माइली सिंबल के साथ आता है, यहाँ पे ये बैक आता है, ये रिमूवेबल आता है, पीछे 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, जो कि ऑटो फोकस सपोर्ट करता है, ड्यूल टोन LED फ्लैश नहीं है इसमें। फ्रंट में आपको ये फ्रंट कैमरा आता है, जो कि 5 MP का है, और ये सेंसर है, स्पीकर है, और इसमें
ये आपने हम इसको खोल देते हैं अभी। ड्यूल सिम फोन है ये, यहाँ पे सिम टू और यहाँ पे सिम वन और माइक्रो एसडी जो कि 128 GB तक इससे मेमोरी आप एक्सपेंड कर सकते हो, 16 GB इनबिल्ट आती है। तो इसको अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, बूट अप कर लेते हैं अभी इसको। जियो के स्माइली सिंबल के साथ यह बूट अप होता है। बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्शमेलो इसमें आता है 6.0 जो कि अपग्रेडेबल रहेगा। इसमें जो बैकलाइट की है वो उसमें एलईडी नहीं है। अभी हम इसको जल्द से स्टार्टअप कर देते हैं, बूट अप कर देते हैं। आने वाले समय में मैं इसका आपको फुल वीडियो रिव्यू देगा। बहुत फास्ट बूट हो गया है, जितना सोचा था उतना टाइम नहीं लिया। जब स्टार्ट हो चुका है, जिसकी व्यूइंग स्क्रीन काफ़ी अच्छी दी गई है, इसमें व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है। जिसकी ये स्क्रीन है 5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, जिसका पिक्सल डेंसिटी रेशियो 247 PPI। स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, इसमें जो 2.5 कर्व है जिसकी वजह से फिल्म काफ़ी अच्छा आ रहा है। हम आपको इसकी फर्स्ट बूट की मेमोरी दिखा देते हैं कि इसमें आपको प्रीलोडेड ऐप भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूसी ब्राउज़र प्रीलोडेड है और भी बहुत सारे। यह अमीगो UI 3.2.0 पे आता है। इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन मार्शमेलो 6.0 जीरो गेम है। अब हम इसकी आपको स्टोरेज दिखा देते हैं कि कितना इसमें मिल जाता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट बूट पे इसका स्टोरेज कितना मिलता है। आपको 16 GB में से 6.61 GB यूज्ड हो जाएगी और आपको उसमें से मिलता है अप्रोक्सीमेटली 10 GB के आसपास स्टोरेज आपको मिल जाता है। रैम उसकी बात कर दे तो 3 GB रैम है जो कि फर्स्ट बूट पे आपको फ्री अवेलेबल रैम आपको दिखा रही है। 2 GB आपको अवेलेबल दिखा रही है फर्स्ट बूट पे, 3 GB में से 1 GB यूज हो गई है और 1.99 GB अवेलेबल दिखा रही है। तो ये तो उसका एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू था। मैं इसका फुल रिव्यू आपको आने वाले समय में बना के दे दूंगा थोड़ा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। आपको फुल रिव्यू के लिए मैं जल्द ही इसका फुल रिव्यू भी बना के दूंगा आपको। मेरा प्राइमरी सिम यूज़ करके आपको इसका फुल रिव्यू दूंगा। इसमें गेम्स भी प्रीलोडेड है जैसे कि एस्पर नाइट्रो है, बबल बेज है, ड्रैगन बेज है, मोटोक्रॉस, स्पाइडरमैन प्रो, अल्टीमेट प्रो है, ये जो प्रीलोडेड गेम्स है। जैसे कि आप देख रहे हो उसका लुक जियोनी ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है, काफ़ी समय के बाद कुछ अच्छा लाया है ये जियोनी वाले एफ सीरीज में। पहले वाली सीरीज से ये थोड़ी बेटर लुक लग रही है, फैशन सीरीज एफ सीरीज यानी कि फैशन सीरीज
फैशन सीरीज में पहले F103 1GB 2GB 3GB में जो उन्होंने हालांकि लॉन्च किया था वो दिखने में इतने प्रीमियम नहीं थे जितना कि उसका था। ये प्रीमियम लुक में है, थोड़ा सा लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। तो ये तो था दोस्तों इसका जियोनी का अनबॉक्सिंग रिव्यू, और आने वाले समय में मैं आपको इसका फुल रिव्यू दे दूंगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से यहाँ पे बहुत ही सारे फ़ोन के रिव्यू करने वाला हूँ, और हम यहाँ पे रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपको टेक रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ़ोन रिव्यू है, एप्लीकेशन रिव्यू है, और बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।